हेलो एवरीवन, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। एक्चुअली आप देखोगे तो मॉर्निंग के अभी 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग एक्चुअली कल रात को भी मैंने वीडियो शूट किया था जो 12 बजे रात को, आज 12 साढ़े 12 बजे के बाद शूट किया था। लेकिन इतना ज्यादा मैं आपको, अगर आप मेरे से रिव्यू लेना चाहते हो, अगर कोई आप माइक लेना चाहते हो, अगर हम ग्रीनारो को माइक अगर गलती से भी चूज कर रहे हो तो गलती से भी कभी मत लेना। इससे थर्ड क्लास माइक मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। इतनी गंदी वॉइस, अब भी मैं जो आपको वॉइस दे रहा हूँ इसको इतना सारा एडिट करने के बाद, कुछ अच्छा करने के बाद देना पड़ रहा है। बहुत गंदा है, इसको कभी भी परचेस मत करना, मेरी तरफ से एक गंदा रिव्यू रहने वाला है। अब चलो वो छोड़ देते हैं। और एक बात आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप सबके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं कि सर आपकी इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, आप पूरे दिन भर का मार्केट कैसे परफेक्टली देख पाते हो, इतना आपको कैसे दिखता है कि पूरा मार्केट आज दिन भर क्या करने वाला है, इतना परफेक्ट कैसे हो सकते हो। देखो सिंपल सी बात क्या है, पहली बात एक बात को याद करो कि मैं हूं एक, पहली बात मैं ट्रेडर हूं, मैं बस मार्केट को उसी तरीके से देखता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, उस तरीके से देखता हूँ। और एक बात, मुझे जो इस तरीके से डर लग रहा है ना अभी, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात क्या हो रही है कि आप लास्ट 5 6 दिन 6 दिन से आप देख रहे होंगे, अब जो मुझे नए देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे काफी लॉन्ग टाइम से देख रहे हो, अगर आप पिछले 2 महीने 3 महीने से देख रहे हो, तो आपको पता है कि मैं जो भी चीज आपको एनालिसिस बोलता हूँ वो वैसा का वैसा मार्केट में होता रहता है जो हो रहा है। इससे एक मुझे जगह डर लगा है, देखो ये जो डेज है ना, इसमें फर्स्ट डे है आपने मुझसे ट्रेड नहीं किया, मैंने बताया आपने बस ऑब्जर्व किया मार्केट वैसा ही चला। सेकंड डे आपने ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर आपका पैसा बना, ये प्रॉफिट बना, फिर जाकर सेम प्रॉफिट बना, थर्ड डे पे भी सेम प्रॉफिट बना, फोर्थ डे पे भी मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट बना, पांच डे में प्रॉफिट बना। ये सारी चीजें तो कंटिन्यूअसली होते जा रही है, प्रॉफिट बनते जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा भी दिन आ सकता है कि ये कंसेक्यूटिवली डेज में 7 8 दिन से मैं जो एनालिसिस परफेक्ट कर रहा हूँ वो वैसे के वैसे वर्कआउट कर रही है। मतलब अभी जो 7वां 8वां दिन आने वाला है इसमें हमारे लॉसेस भी होने वाले हैं, ये बात को हमेशा के लिए याद रखो। हर समय कोई भी यहाँ पर राइट नहीं हो सकता, एक ट्रेडर की तरह सोचने की कोशिश करो। ज्यादातर गलती क्या हो जाती है बताइए, सारे टाइम पे यहाँ पर आप 2000 कमा लोगे, यहाँ पर आप 2000 कमा लोगे, यहाँ पर आप 2000 कमा लोगे, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 3000, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर हम जाकर लॉस करेंगे, यहाँ पर आप सीधे सीधे 15000 का लॉस हो जाएगा। मतलब ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती यही करता है। यू आर राइट और रॉन्ग, मतलब मैं राइट हूं क्या नहीं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे बड़ी ज्यादातर गलती यही होती है। तो मेरा एनालिसिस जितना अच्छे से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी जिस दिन फेल होने वाला हूं उस दिन मैं छोटा सा लॉस लेकर शांत बैठ जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती ट्रेडर की यही होती है कि लॉस करने के टाइम पे बहुत बड़ा लॉस कर देता है, जब ट्रेडिंग का पैसा कमाने का टाइम आता है तो छोटे छोटे प्रॉफिट कमा लेता है। सो इस चीज को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखो, क्योंकि पैसा बनना इस मार्केट के हाथ में, तो लॉसेस देना भी मार्केट के हाथ में। जितना हम एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट दे रहा है, पैसा देते जा रहा है, तो लेते चलो। लेकिन जिस दिन मार्केट नहीं बोलेगा, नहीं देने वाला, स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस लेके शांत भी बैठना सीख लेना चाहिए। नहीं तो ट्रेडिंग, सबसे बड़ी गलती ट्रेडिंग में यही होती है ज्यादातर। तो हम ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट की चीजों को समझते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अगर आप डेली चार्ट बैंक निफ्टी को ओपन करके देखते हो तो क्या कैसी कैंडल बनी है, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है रेड, एंड इसके अंदर एक स्मॉल कैंडल बनी है और वो डोजी टाइप की कैंडल बनी है। तो अभी मार्केट के लिए हमारे लिए सिनारियो क्रिएट हो चुका है कि इस तरीके से कोई कैंडल बन रही है जो डेली चार्ट पे दिख रही है। अगर डेली चार्ट की कैंडल ऐसी कुछ दिख रही है, तो ये कैंडल बनने के बाद यहां से अभी थोड़ा सा सिनारियो क्या है कि सेलिंग के लिए भी मार्केट जा सकता है, अपर साइड के लिए भी मार्केट मोमेंटम कर सकता है, बाइंग साइड के लिए जा सकता है। दोनों सिचुएशन पे हमारे लिए अभी विन विन सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पर मार्केट अभी है डिसाइडेड लेवल पे कि मार्केट को जाना है, लेकिन अभी भी जो हमारा एनालिसिस रहने वाला है कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में हम रखने वाले हैं। हमारा थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी फिलहाल रखेंगे, लेकिन गलती से भी मार्केट अगर इस दिन पे, मतलब मंडे के दिन पे, अगर गलती से मार्केट सेलिंग के साइड आ जाता है एंड सेलिंग के साइड में जाकर क्लोजिंग भी कर जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा निगेटिव होने के प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सिनारियो वैसा दिख रहा है। निफ्टी मुझे अभी भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है, मैं दोनों चीजों को अच्छे से आपको बता देता हूँ। अब अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो यहाँ पर एक सिनारियो दिख रहा होगा, इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन आप सबको दिख रही होगी जो सबने लगाई होगी, एंड नीचे की साइड में इस टाइप का कोई पैटर्न आपको दिख रहा होगा जो पैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है बैंक साइड के लिए जाने के लिए। लेकिन बैंक साइड अभी तभी आएगा जब ओपनिंग मैटर करता है। अगर आप इसकी ओपनिंग देखते हो ना, तो एक्चुअली चार्ट की क्लोजिंग आपको दिख रही होगी कहाँ पर, 43,880 पे, लेकिन ये जो 837 पे हो चुकी है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली जो क्लोजिंग हो चुकी है आपकी, यहाँ पर हो चुकी है हमारी क्लोजिंग। अब अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है फ्लैट ओपन, मतलब यही रेंज के आसपास आसपास कहीं पर भी ओपन होता है, ये सारे रेंज के आसपास तो कहीं पर ओपन हो जाता है, एंड इस रेंज के ओपन होने के बाद अगर वापस नीचे चला आता है ना, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर जाना, यहाँ पर 5 10 मिनट 15 मिनट के लिए वेट कर जाना। अगर यहाँ पर
बाद कैंडल बनने के बाद अगर इस कैंडल का नीचे की साइड क्रॉस कर जाएगा लो, मतलब एक सिंपल सा सिनेरियो समझ जा रहा है कि यहाँ पर एक कैंडल बननी चाहिए, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो ही हम सेलिंग करने के लिए प्रेफर कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे जाकर आपको अच्छे से प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मैं अभी भी सेलिंग के लिए फुल क्वांटिटी के साथ नहीं जाने वाला हूँ, अगर मैं सेलिंग के लिए जा भी रहा हूँ तो भी मैं पहले अच्छे से चार्ट को ऑब्जर्व करके ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा अभी भी डायरेक्शन जो वीकली चार्ट मंथली चार्ट जो अभी भी है मैं बुलिश की तरह ही प्लान कर रहा हूं, मेरा अभी भी निगेटिव नहीं बनाओ, क्योंकि भले ही मार्केट कितना भी अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम दिखाए, देखो डाउनसाइड अगर मार्केट को मोमेंटम कर रहा होता ना तो यहां से जितना सेलिंग आया है ना, यहां पर अगर आप देखोगे यहां से जो सेलिंग आया है ना, मार्केट का भी गैप अप होता ही नहीं। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट को नीचे जाना नहीं है। इस दिन पे भी ये वापस ऊपर तो गया था लेकिन ऊपर के लेवल पे होल्ड नहीं कर पाया, नीचे चला आया, लेकिन यहां पर अभी बस हमें देखना है कि मार्केट को जाना गया, क्योंकि मार्केट दो तीन दिन से कंटिन्यूसली कोशिश कर चुका है, ऑलरेडी बार बार कोशिश कर रहा है नीचे उसको ना गिरने के लिए, तो वैसे वेट करते। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे हमने डिसाइड किया कि कुछ यहाँ पर कैंडल बन नीचे चला जाता है तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 43,500 का टारगेट निकल के आएगा। अभी सेलिंग के लिए बड़े टारगेट्स मत रखना, हमें छोटे छोटे 200 300 400 पॉइंट अगर मिल रहे, क्योंकि 937 के आसपास क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग बहुत ऊपर है आपको जिस तरीके से दिख रही है, ये लेवल पे आसपास क्लोजिंग दिख रही है, तो इतना भी टारगेट मिलता है आपको 300 350 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो लेके चलो। लेकिन सेलिंग में जा रहे हो तो एक बात याद रखना यहाँ पर, नीचे तो मार्केट आएगा लेकिन ट्रेलिंग एसएल के साथ चलते चलना, क्योंकि मार्केट का कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग मोमेंटम में अभी भी फिलहाल है, तो अगर ये नीचे भी आ रहा है तो वापस, अब यहां से वापस घूम के चला गया था लेकिन यहाँ पर इतना तेजी से वापस नहीं आने वाला, ये हर बार मार्केट ऐसे सेम सिचुएशन नहीं करता है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था यूटर्न मारेगा तो यहाँ पर यूटर्न हो चुका है, तो अभी सेम डे पे मार्केट हर बार एक चीज कभी नहीं फॉलो करता। सो अगर यहाँ से नीचे निकल रहा है यहाँ से तो इसको सेलिंग करने के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं, नीचे की साइड में टारगेट हमें इजिली मिल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए तभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप ओपन हो, मतलब क्लोजिंग अगर देखोगे तो क्लोजिंग एक्चुअली में यहाँ पर दिख रही है, अगर मार्केट 50 60 पॉइंट 100 पॉइंट कहीं पर भी गैप होता है, मतलब कहीं पर यहाँ पर ओपन हो जाता है मार्केट, ये ऊपर के लेवल पे सारे मार्केट, तो मैं बाइंग साइड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला हूं, क्योंकि मैं सेलिंग के लिए ज्यादा प्लान नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को अगर गैप ओपन हो जाता है ना तो मेरे लिए बायर्स कहीं ना कहीं मार्केट में हैवी हो जाएंगे, एंड वो चीजें के लिए मैं अच्छा प्लान कर रहा हूं। अब भी जिस तरीके से पैटर्न दिख रहा है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर ये गलती से भी अगर और एक दिन इसी रेंज के अंदर अंदर निकाल देता है या फिर ऊपर के लेवल पे आता भी है, अगर ये ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आप जिस तरीके से इसको ट्रेड करोगे ना, ये नॉर्मली क्या करेगा, वापस ऊपर चला जाएगा, पहले नीचे आएगा, थोड़ा सा डराएगा सबको, एंड फिर जाकर यहां पर साइडवेज जाएगा, फिर डिसाइड करेगा मुझे ऊपर की साइड में जाना है, ये ऐसे ही वन वे ऊपर जाएगा, ये मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से वापस ऊपर जाएगा। देखो मैं जितनी भी एनालिसिस आपको देता हूं, पहली बात ये समझ लेना हर एक एनालिसिस में मैं मेरी अंदर की एनालिसिस आपको फीलिंग्स बताता हूं कि मुझे किस तरीके से चार्ट लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं राइट भी हो सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से मैं जिस दिन भी गलत होने वाला हूँ लॉसेस को कम करना है, ये बात को हमेशा याद रखो, क्योंकि बहुत से लोगों के एक कमेंट थे कि सर आप जो बोलते हो इतना परफेक्ट ही होता है कि हम सोचते ही नहीं हम बिंदास क्वांटिटी ले सकते, ये गलती बस मत कर लेना, क्योंकि यही मतलब जो ट्रस्ट है वो कहीं एक दिन इस तरीके से ना बदल जाए कि आप बड़ा लॉसेस कर पाओ, तो इसके लिए प्लीज प्रिपेयर रहना कि लॉसेस भी हो सकते हैं मार्केट में कंजर्वेटिव डेज पे। अगर मेरे भी जस्ट सोचो कि मेरे भी अगर एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन सात दिन अगर ऐसे कंटिन्यूसली प्रॉफिट में जा रहे हैं ना तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं भी कंटिन्यूअसली दिन से प्रॉफिट करते जा रहा हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक आध दिन लॉसेस आने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते हो तो छोटा सा लॉस कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम जितना हवा में निकल जाते हैं ना कि मेरा पता है यार मैं बोलता हूं वही होता है, ये जो होता है ना ये थोड़ा सा मार्केट बोलता है कि तू ज्यादा उड़ रहा है क्या, ठीक है मैं तुझे थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, तो मार्केट एक आठवें दिन पे जब लॉस दे देता है। देखो अगर मैंने इन दिन में इन सारे दिनों में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मैंने 1,00,000 कमाया है एंड ये जगह पर जाकर मैंने यहाँ पर अगर 5,000 का लॉस ओनली लिया है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस लॉस से, आप कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जितना मैंने यहाँ पर 1,00,000 रुपीस कमाया है, अगर ये आकर मैं यहाँ का पूरा लॉस कर देता हूँ तभी सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है, बस प्लीज इसको हैंडल कर लेना, बाकी कोई चीज रहने नहीं वाली। अभी फिलहाल के लिए अगर मार्केट कहीं पर भी 100 पॉइंट के आसपास गैप ओपन हो जाए ना फिर बाइंग साइड के लिए वेट करेंगे, लेकिन तभी बाइंग साइड करना, मैं तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 12:30 बजे तक का वेट करना पसंद करूंगा, 12:30 बजे तक का वेट करना पसंद करूंगा एंड फिर जाकर डिसाइड करूंगा कि क्या करने वाले। लेकिन अगर बायर्स मार्केट जा रहा है कि ऊपर ही ओपन हो रहा है एंड अगर सीधे ऊपर जा रहा है तो बिंदास आप एक एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हो, एंट्री ले लो वापस यहां पर, किस तरीके से प्लान बनाने जो सके निकल गया आप एंट्री ले लो, फिर इसके एसएल प्रॉपर एसएल लगा देना, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आकर आपको अगर या थोड़ा बहुत रुकने के बाद अगर वापस ऊपर चला जाता है तो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो बाइंग साइड के लिए मैं अभी प्रीफर क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन निफ्टी में ज्यादा छुपा है, हम निफ्टी को एक बार चार्ट देख लेते आपको पता चल जाएगा। एक बार निफ्टी का चार्ट देखते, अगर आप निफ्टी को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लेते आते हो तो बैंक निफ्टी में भले जितना सेलिंग दिख रहा है लेकिन वो निफ्टी में इतना अच्छा सेलिंग नहीं दिख रहा है मुझे अभी भी,
निफ्टी एक जगह पे आसपास अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। सो कंप्लीटली एक रेंज में निफ्टी मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट एक रेंज में निफ्टी भी दिख रहा है। सो निफ्टी में ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए प्लान आउट कर रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग आना होता तो एक बार दो बार तीन बार कंटिन्यूसली आ चुका है, इसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। सो हाईली पॉसिबल है कि हम अपर साइड में ऑलरेडी जा सकते हैं, लेकिन हम रेडी रहेंगे दोनों साइड के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए। सोचो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो इसी रेंज के अंदर, मतलब ये जोन के अंदर अंदर ही ओपन होता है। हम यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पसंद करेंगे, ये एक तो ऊपर की साइड में निकल जाए या नीचे की साइड में आकर, अगर यहाँ पर नीचे की साइड में रुकने के बाद नीचे गिरता है तो और एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ऊपर की साइड में रुकने के बाद और एक ऊपर साइड में निकल जाता है तो हम बाय साइड कर लेंगे। जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, देखो मार्केट अभी डिसाइडिंग लेवल पे खड़ा है, इसको जाना दोनों साइड भी पॉसिबल है, तो जिस तरीके से जाएगा उसके साथ हम चलने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर की साइड में निकल रहा है एक ट्रेड ले लेंगे, एक ट्रेड हम एंट्री कर लेंगे, निफ्टी में ट्रेड करो 20-25-30 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर लेना। अगर ये ऊपर निकल जा रहा है निकल इसके साथ चलते जाओ, आपको टारगेट मिल जाएगा इजीली ऊपर के क्षण में, 18,650 का टारगेट आपको इजीली पहला प्लान हो सकता है, उसके बाद धीरे 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 हम बड़ा प्लान करते चले जाएंगे। यहाँ पर मार्केट दे रहे हैं, अगर सोचो आपने ट्रेड लिया ये वापस घूमकर नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर इसने स्टॉप लॉस हिट किया तो। स्टॉप लॉस से कभी डरो मत, स्टॉप लॉस से हमेशा प्यार करो, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें स्टॉप लॉस इसके नाम में सब कुछ चुका है कि लॉस को कम करना, यही इसके लॉ में छुपा हुआ है। तो ये नीचे आ रहा है अच्छी बात है, वेट एंड वॉच करो, जल्दबाजी नहीं करनी, फिर नीचे आएगा फिर इसके बाद अंदर चला जा रहा है, जाने दो, इस जोन के अंदर ही वापस आ रहा है। देखो अगर ये वापस इस जोन के अंदर आ रहा है आने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, वापस आए अंदर आने दो, रुकने दो, फिर अगर ये वापस क्रॉस कर रहा है हमें और एक बार एंट्री लेंगे, अगर नहीं क्रॉस कर रहा है नीचे आ रहा है नीचे की साइड में कर रहा है एक और एक एंट्री ले सकते हैं। और इशू टू का टारगेट रख लेना, ऊपर की साइड में निकल जाता है तो 20-25 पॉइंट का एसएल लगा लेना, अगर ऊपर जा रहा है प्रॉफिट को लेते चलो, नीचे अगर नहीं गिर कर स्टॉप लॉस दे रहा है अच्छी बात है लेते चलो, फिर नीचे गिरेगा तो और भी अच्छी बात है हम और ट्रेड ले सकते, लेकिन लॉसेस को लेने के लिए रेडी रहो। लॉसेस मार्केट में हमेशा होते, मेरे होंगे सबके होंगे, लेकिन लॉसेस हमेशा छोटे रखेंगे, टारगेट हमेशा बड़े रखेंगे। इस तरीके से अभी मुझे प्लान दिख रहा है, मैं सारी चीजें अभी जिस तरीके से प्लान कर रहा हूं वो एनालिसिस के हिसाब से प्लान कर रहा हूं, मार्केट का डेली चार्ट में कुछ चीजें मुझे दिख रही है उस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूं। चाहे तो मैं एक बार बस आपको दिखा देता हूं कि मेरा ओवरव्यू क्यों चेंज हो रहा है, मैं क्यों इस तरीके से प्लान कर रहा हूं। अगर आप एक बार निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी यहां पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हो तो वन डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कैंडल्स कैसे बन रही है, क्या कैंडल्स बन रही है, यहां पर हम इस कैंडल को क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसके अंदर जाकर एक कैंडल बनी है जिसका नाम है डोजी कैंडल बनी है। मतलब अभी मार्केट डिसाइडिंग लेवल पे खड़ा है, मार्केट खुद सोच रहा है कि मुझे जाना कहां है कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यहां से ऊपर के लेवल से एक रेंज बन जाएगी, इस नीचे से रेंज बन जाएगी। सो ये दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। मैं निफ्टी के लिए अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे दिखा रहा है, क्योंकि नीचे की साइड से इतना जो बाइंग प्रेशर मुझे दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी भी सोच रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करता है। ओपनिंग ज्यादा मैटर करने वाला है हमारे लिए कल के डायरेक्शन में, तो ओपन अगर अच्छा हो जाता है फिर ओपनिंग अगर अच्छी मिल जाती है तो ट्रेड करना हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात मिल जाएगी, तो उसको प्लान करके ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर हमने निफ्टी का जिस तरीके से चार्ट देखा है वही बैंक निफ्टी का भी देखा जाए तो सेम सिनेरियो के साथ बन रहा है। यहां पर एक देखोगे तो कंप्लीट एक रेंज है यहां पर, जिस तरीके हम रेंज बनाए, हम जो लाइफ टाइम है के पास तो चले तो गए लेकिन फिर से नीचे आ गए। ये बात याद रखना, ये जब तक आप भी इस लेवल पे खड़ा है ये बहुत ज्यादा बुलिश है, इसको कभी भी सेलिंग साइड में अभी सोचना मत, ज्यादा बड़ा नहीं, हम एग्रेसिव सेलिंग में तभी करने वाला हूं, मतलब यहां पर एग्रेसिव सेलर में तभी होने वाला हूं कि मार्केट अभी बस नीचे ही गिरेगा, मैं तभी सेलिंग करूंगा जब मुझे मार्केट सारे सिनेरियो दिखाएगा 43,500 के नीचे अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है 43,400 450 ये सारे लेवल के नीचे ही मैं सारा कुछ एग्रेसिव सेलर बन जाऊंगा। स्टिल मैं अभी एग्रेसिव सेलर नहीं हूं, मैं अभी भी एग्रेसिव बाइंग के लिए भी नहीं जा रहा हूं, एग्रेसिव मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूं लेकिन सेलिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूं। अगर गलती से भी मार्केट 43,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है या फिर 450 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो मैं एग्रेसिव सेलर बन जाऊंगा और इसके बाद मैं बस मार्केट को सेल करने के बारे में सोचूंगा। अभी भी स्टिल मैं बायस हूं मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज में खड़ा है, तो इस रेंज में मैं ज्यादातर बाइंग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मार्केट रेंज में खड़ा है, यहां पर आया तो पॉसिबिलिटीज के और भी अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। होप आपको पूरे एनालिसिस में मजा आया होगा, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने लोग सेम मिस्टेक करते, 8 दिन प्रॉफिट बनाते और 1 दिन मेरे सारा लॉस कवर पूरा लॉस कर देते, कितने लोग इस तरीके से गलती करते, कितने लोगों के साथ ये सेम चीजें होती रहती, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।